नमस्कार विद्यार्थियों, आज मेरा टॉपिक है आपके सामने आईसीटी में समावेशी शिक्षा में आईसीटी की भूमिका। आईसीटी का मतलब है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का क्या महत्व है, यह आप सब समझते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा सभी आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ एक ही विद्यालयी वातावरण में शिक्षा उपलब्ध करवाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है, ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। अब बात यह आती है, जब विभिन्न प्रकार के बालक एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं तो समावेशी शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अपना ही एक महत्व बढ़ जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज अगर हम विद्यालय को पढ़ा रहे हैं और हमारे पास में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक नहीं है तो हम विद्यार्थी को अधिगम नहीं करवा सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में आईसीटी क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो देखिए। शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, आप सब जानते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीक जो आज हमें अवेलेबल हो रही है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, टीवी है, अनेक दृश्य श्रव्य सामग्री है, प्रोजेक्टर है, पैनल बोर्ड है, कई ऐसे संप्रेषण तकनीकें हैं जिसके आधार पर हम शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के निर्धारण में उसकी भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी शिक्षक कोई शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करता है तो उसमें आईसीटी अगर उसको उपलब्ध है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक उसको उपलब्ध है तो शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने में उसको आसानी होती है। तो शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करने में आईसीटी की भूमिका होती है। उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव करना। दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव करना, उपयोग करना और इसके बाद है उत्पादन करना। आप जानते हैं किसी टीचर ने क्लास में पढ़ाया, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसका एक वीडियो आपके सामने आया तो आप कभी भी कहीं पर भी उस वीडियो को सुन करके आप उस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो किसी दृश्य श्रव्य, जैसे टेलीफोन में आपने वीडियो बना करके आपने उसको सुन लिया तो आप बार बार में उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो ये आईसीटी की ही भूमिका है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव किया जा सकता है, उत्पादन और उसके उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ये समावेशी शिक्षा में आईसीटी ही निर्धारित करती है। प्रणाली उपागम का प्रयोग, आप जानते हो इनपुट आउटपुट माध्यम, मैसेज भेजने वाला, मैसेज प्राप्त करने वाला, किस तरीके से आपने अपनी सूचना भेजी है, सामने वाले ने उस सूचना को कैसे प्राप्त किया है, उसमें भी आईसीटी की भूमिका होती है। शिक्षण व्यू रचनाओं और युक्तियों के चयन में भी आईसीटी की भूमिका होती है। सामान्य व्यवस्था का परीक्षण करने और उसको अनुदेशन देने में भी सूचना प्रदान, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से हम अनुदेशन सामग्री विद्यार्थी को उपलब्ध करवा सकते हैं तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य व्यवस्था में परीक्षण और अनुदेशन करने में भी इसकी भूमिका होती है। उसके बाद है शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षण प्रशिक्षण में भी आईसीटी की भूमिका होती है। वो कैसे, शिक्षकों को जो भी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो उनको मॉड्यूल दिए जाते हैं वो आप इसमें आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करने में भी आईसीटी की भूमिका होती है। मशीनों व जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग किस तरीके से करना है ये भी हमें सूचना संप्रेषण तकनीक के माध्यम से पता चलता है। पृष्ठ पोषण में सहायक, फीडबैक देने में भी ये क्या होती है सहायक, जैसे कंप्यूटर में जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको फीडबैक आ जाएगा कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं दिया, तो पृष्ठ पोषण में भी सहायक होता है। तो आपने देखा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है, क्या है,
शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाना है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालक हैं। उन बालकों में कोई दृष्टि बाधित भी है, कोई स्वर्ण बाधित भी हो सकता है, कोई अधिगम असमर्थी बालक भी हो सकता है, तो उनको भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाने और किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है उसमें आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करने में, दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव उत्पादन व उपयोग करने में, प्रणाली उपागम का उपयोग करने में, शिक्षण व्यू रचनाओं और युक्तियों का चयन करने में, सामान्य व्यवस्था परीक्षण और अनुदेशन में किसका उपयोग होता है, आपका आईसीटी का महत्वपूर्ण रोल होता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इसकी भूमिका होती है। मशीनों व जनसंपर्क माध्यमों के उपयोग करने में भी आईसीटी की भूमिका होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करने में आवश्यक होती है और फीडबैक में भी पृष्ठ पोषण के किस प्रकार देना जाना है, पृष्ठ पोषण की विधियों में सब में आईसीटी का मेन रोल होता है। उसके बाद है कि आज सूचना व जो तकनीकी प्रौद्योगिकी है उसकी क्या महत्ता है। आप जानते हैं, आज शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा होता है, अगर उसके सामने दृश्य श्रव्य सामग्री होती है तो वो अच्छे से अधिगम करा सकता है, उस चीज को अच्छे से बालक को सिखा सकता है। तो उसमें शिक्षकों के लिए उपयोगी है तात्कालिकता, तात्कालिक रूप से, जैसे आपको पता है कि बालक को आपको ज्ञान देना है, किसी चीज को दिखाना है, किसी ऐतिहासिक स्थल को दिखाना है, अगर आपके पास में इंटरनेट और टेलीविजन है तो आप विद्यार्थी को तात्कालिक रूप से उस बात का क्या करवा सकते हैं, ज्ञान करवा सकते हैं। तो तात्कालिकता का ज्ञान कराने में भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण रोल होता है। संसाधनों की विविधता का उपयोग कैसे करना है, संसाधनों को यूटिलाइज कैसे करना है, ये भी बताती है आईसीटी। शिक्षा तकनीकी का विकास में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्तित्व विकास में, बालक के व्यक्तित्व विकास में आईसीटी का मेन रोल होता है। क्यों? क्योंकि बालक देश विदेश सभी प्रकार के घटनाक्रमों को सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से समझ पाता है, अनुसंधान और अनेक कार्यों में रुचि ले पाता है। शैक्षिक प्रशासन में सहायक, आप जानते हो मैं जो शिक्षा का जो प्रशासन चलाना है, अगर उसमें आईसीटी को शामिल किया जाता है तो शैक्षिक प्रशासन को चलाना आसान हो जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन को चलाने में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण रोल होता है। संसाधनों की विविधता के लिए उपयोगी है। परामर्श व मार्गदर्शन प्रदान करने वालों के लिए भी आईसीटी का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि आपने देखे होंगे टेलीविजन पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय परामर्श आते हैं, मनोवैज्ञानिक परामर्श आते हैं, कई प्रकार के शैक्षिक परामर्श आते हैं, उनको हम आईसीटी के माध्यम से ही सुन पाते हैं। तो ये आज सूचना व प्रौद्योगिकी की महत्ता है, किन किन रूपों में, शिक्षकों के लिए उपयोगी है, तात्कालिक ज्ञान प्रदान करता है, संसाधनों की विविधता का उपयोग किया जा सकता है, शिक्षा तकनीकी का विकास किया जा सकता है, व्यक्तित्व विकास में उपयोगी होता है, शैक्षिक प्रशासन में सहायक होता है, संसाधनों की विविधता के लिए उपयोगी होता है, परामर्श व मार्गदर्शन प्रदान करने वालों के लिए भी आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आपने आईसीटी की भूमिका पढ़ी। ये आगामी बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर होने वाला है, समावेशी विद्यालय में सृजन, उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईसीटी की भूमिका आप पढ़ करके जरूर जाइए विद्यार्थियों। धन्यवाद।